जब धर्म की और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को संकार से प्रकट करता हूँ। एक समय की बात है, मथुरा राज्य में उग्रसेन नाम का एक राजा था। उसने अपनी पुत्री देवकी का विवाह वासुदेव नाम के युवक से तय किया। देवकी का भाई कंस, जो कि बहुत ही क्रूर, दुष्ट और निर्दयी था, देवकी से अत्यंत प्रेम करता था। इसलिए विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं उसको छोड़ने ससुराल गया। Thank you.
और सूचित किया। जब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव जी की आठवीं संतान पुत्री हुई है तो कंस उस पुत्री को मारने लगा। अचानक उसमें से एक दिव्य ज्योति के साथ आशक्ति प्रकट हुई और उन्होंने कहा, हे मूर्ख कंस, निर्दोष शिशुओं की हत्या करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुझे मारने वाला इस धरती पर जन्म ले चुका है। तेरा वध करने के लिए देवकी के आठवें पुत्र ने इस धरती पर जन्म ले लिया है और वही तेरा विनाश करेगा। ऐसा कहकर अष्टमी को जन्माष्टमी के रूप में श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाते हैं। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।